मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स समकालीन भारत में शिक्षा से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके कल के एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखते हैं वीडियो के अंदर हम हमारे सारे यूनिट्स के अंदर, जो हमारी 6 यूनिट्स यहाँ पर दी गई हैं, उन 6 यूनिट में से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कल के एग्जाम के लिए। तो देखिए जरा स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि कल का जो आपका एग्जाम होने वाला है एजुकेशन का, जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है फर्स्ट लेसन से, कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली आपको, जैसे कि आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके मेकाले के विवरण पत्र की विशेषताएं। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, इन्होंने क्या बोला है कि जो शिक्षा का जो उनके अनुसार जो भारतीय भाषाएं शिक्षा का माध्यम बनाए जा सकने की दृष्टि से बहुत ही दीनहीन और अपरिपक्व थी। तो उन्होंने क्या बोला कि अंग्रेजी को क्या बनाया जाएगा, शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा। आगे उन्होंने ये चीज बोली है चुनिंदा लोगों के लिए शिक्षा, ठीक है, इसी के अंदर कि भाई इसमें बोला गया है कि जो कुछ उच्च और मध्यम वर्ग के छात्रों को शिक्षा दिए जाने के पक्ष में थे वो लोग। तीसरा इसका जो पॉइंट बना हुआ है वो है शिक्षा का उद्देश्य। तो इनका उद्देश्य क्या था, शिक्षा का उद्देश्य ये था कि मेकाले का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के अंग्रेजी माध्यम के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना, कि अंग्रेजी माध्यम के द्वारा। इन्होंने एक चीज और बोली थी कि हम उन व्यक्तियों का एक वर्ग बनाना चाहते हैं जो रक्त और रंग से तो भारतीय होंगे लेकिन अपने स्वाद में और दृष्टिकोणों, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज होंगे, ठीक है। तो ये इसके आपके इसमें से पॉइंट्स होंगे। और उसके बाद में आपका इसी के अंदर आएगा वुड, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि वुड का आदेश पत्र बताइए। तो देखिए 1857 के अंतर्गत जो चार्ल्स वुड थे उनकी अध्यक्षता के अंदर समिति बनाई गई थी। अब उसकी कुछ प्रमुख जो है विशेषताएं, सिफारिशें यहाँ दी गई हैं, वो कौन कौन सी हैं। जैसे आदेश पत्र ने इस बात पर स्पष्ट लिखा हुआ था कि सरकार की जिम्मेदारी होगी कि जनता को शिक्षा प्रदान करे। दूसरा, स्कूली स्तर की जो शिक्षा होगी ना वो भारतीय भाषा में होगी, और जबकि उच्च स्तर की जो शिक्षा होगी वो अंग्रेजी में होगी। महिला शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। आगे बोला गया इसके अंदर कि भाई आपके पत्र ने निर्देश दिया था कि हर प्रांत के अंदर, यानी कि हर राज्य के अंदर, प्रांत यानी कि हर राज्य के अंदर जो है एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि एक सार्वजनिक शिक्षा विभाग की स्थापना होगी, और वो कैसा होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, जहां पर सभी धर्मों के लोगों के लिए शिक्षा जो है बराबर से दी जाएगी। उसके बाद में अगर हम यहाँ देखें तो इसमें संस्कृत, अरबी और फारसी जैसी भाषाओं के महत्व पर भी जोर दिया गया। उसके बाद में बॉम्बे मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, और इसमें पत्र ने यह सिफारिश भी की थी कि देश भर में स्कूलों को जो है निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए, यानी कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, पूर्व विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय। इस तरीके से ये सिफारिशें इसके अंदर दी गई थी। लास्ट इसके अंदर जो टॉपिक दिया गया है कि पत्र ने यह भी निर्देशित किया था कि उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति को दूसरे की तुलना में सरकारी नौकरी के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका इसके अंदर से जो आपका फर्स्ट यूनिट है। उसी फर्स्ट यूनिट में से आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका ये है टैगोर की, टैगोर का जो महाविद्यालय मेरा विद्यालय और गांधी जी की नई तालीम, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी ये जरूर आपको पढ़नी है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इनके टैगोर का जो मेरा विद्यालय है। टैगोर जो है वो बताते हैं कि वो भारत के ब्रिटिश दर्शन से वो खुश नहीं थे। उन्होंने देखा कि शिक्षा नीति के उद्देश्य भारतीय हितों के बिल्कुल भी मैच में नहीं है, यानी कि इनके अनुकूल नहीं है। तो उन्होंने एक विद्यालय बनाया जिसका नाम था शांति निकेतन। शांति निकेतन का मतलब होता शांति का निवास। तो ये किसमें बनाया था, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर जो है टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। देखिए शिक्षा के उद्देश्य किसी के भी अनुसार देखेंगे तो बिल्कुल बराबर से ही है, सभी सब सिमिलर है। जैसे कि पहला शारीरिक विकास, कि टैगोर चाहते थे कि बच्चा अपना आरंभिक वर्षों में क्या करे, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, और वे ऐसी शिक्षा प्रणाली की निंदा करते थे जो सिर्फ बुद्धि का विकास करने की बात करे। और दूसरे में उन्होंने बोला बौद्धिक विकास, वो ये बोलते थे कि मन की सोचना और तथा कल्पना करने की जो शक्ति है उसका विकास भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। तीसरा पॉइंट क्या है, वो नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी चाहते थे कि बच्चा जो है नैतिकता से और आध्यात्मिक विकास से भी ज्यादा वो परिपूर्ण हो जाए। चौथा इसमें संपूर्णता की प्राप्ति, यानी कि बच्चा एक जो है शिक्षित महत्व के रूप में उसको ये बोलते हैं कि वो सिर्फ ये नहीं कि वो अपने आप को तालमेल बिठा ले, ठीक है, वो चाहते थे कि ऐसा विकास हो कि व्यक्तित्व विकास, सामाजिक विकास, यानी कि बच्चा जो है अपना व्यक्तित्व का पूरा विकास कर सके। अंतर्राष्ट्रीय समझ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान, मनुष्य के सार्वभौमिक भाईचारे के बारे में उसकी जानकारी उसके अंतर्गत होनी चाहिए। अब उसके सिद्धांत क्या थे, टैगोर जी की शिक्षा के सिद्धांत क्या थे, देखिए उन्होंने बोला पहला सिद्धांत क्या था, स्वावलंबन यानी कि स्वतंत्रता। शिक्षा का अर्थ है अस्तित्व दुनिया के समस्त बंधनों की रीतियों से मुक्ति, के बच्चे को हर जगह से मुक्त कर दिया जाए। टैगोर को मन, हृदय और इच्छाओं की स्वतंत्रता चाहिए थी। वो कहते हैं बच्चा अगर मन, हृदय और इच्छाओं से स्वतंत्र है तो ही वो अपना विकास कर सकेगा। आगे उन्होंने बोला पूर्णता के अंदर बोला गया कि सहज क्षमता और व्यक्तित्व हर पहलू का विकास होना जरूरी है, हर व्यक्तित्व का विकास होना जरूरी है। सार्वभौमिकता का मतलब होता है यानी कि सभी के लिए, सार्वभौमिक आत्मा से विश्वास रखने में
स्वयं उनके उसपे भीतर की विद्यमान रहती है। उन्होंने क्या बोला, इस प्रकार व्यक्ति को अपने भीतर की ओर तथा अपने परिवेश की विभिन्न पहलुओं में व्यापक सार्वभौमिक आत्मा के सापेक्ष अपनी आत्मा को पहचानने की जरूरत होती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बोला कि शिक्षा जो है प्राकृतिक होनी चाहिए। अब वो कहते थे कि शिक्षा कहाँ पर हो, खुले आकाश के नीचे हो, खेत पेड़ पौधों के पास में हो और खुले वातावरण में हो। वे चाहते थे कि विद्यालय बस्ती की भीड़ भाड़ से दूर हो और प्रकृति की विस्तृत पृष्ठभूमि में ऐसा दृष्टिकोण विकसित होता है जहाँ सभी वस्तुएं भावनाएं और अपने नियत अनुपात को ग्रहण करती है। तो हमारी फर्स्ट यूनिट के अंदर से ये जो आपके क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके अंदर बुनियादी तालीम या नई तालीम या फिर हम कहें बेसिक एजुकेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो कि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर गांधी जी की नई तालीम। देखो अंग्रेजी शिक्षा ने क्या हुआ, हमें गुलाम बना दिया। तो महात्मा गांधी इस बात से पूरी तरीके से अवगत थे और वो अपने बेसिक शिक्षा से भारतीयों के मन से हीन भावना उत्पन्न हुई थी और अंग्रेजी भाषा शिक्षा से लेकर लोगों ने पश्चिमी संस्कृति को श्रेष्ठ देखने और अपनी संस्कृति के गौरव को नष्ट करना सिखाया। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी जो है यहाँ पर नई तालीम की बात करते हैं, इसके अंदर उन्होंने कुछ चीजें बोली है। जैसे कि वो बताते हैं कि इसकी जो प्रमुख सिफारिशें थी वो क्या थी कि भाई पाठ्यक्रम के अंदर बुनियादी हस्तकला को लाना है, सेवा के माध्यम से विद्यालय के आसपास बसे समुदाय के संपर्क में आने के तरीकों को विकसित करना है, दूसरी से सातवीं कक्षा तक सिर्फ हिंदी में शिक्षा दी जाएगी और उसके बाद आठवीं कक्षा से अंग्रेजी का जो है अध्ययन स्टार्ट किया जाएगा। तो आपने सुना होगा कि हमारे पेरेंट्स भी बताते हैं कि हम एट्थ क्लास में थे तब हमारे को ABCD सिखाई गई थी, ठीक है। तो ये क्या है, बुनियादी तालीम के अंदर था ये सारा का सारा। अब गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य क्या, देखो आजीविका आधारित शिक्षा होनी चाहिए, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का कि बच्चा पढ़ने के बाद में जो अपनी आजीविका को चला सके, ठीक है। सांस्कृतिक उद्देश्य क्या है, गांधी जी मानते हैं कि शिक्षा का सांस्कृतिक पहलू भी बहुत जरूरी है क्योंकि संस्कृति के द्वारा ही बच्चा जो है अपने आचरणों को अपने व्यवहार को भारत की शानदार प्रगति के बारे में इन सब चीजों के बारे में जान सकता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है आपका सामंजस्यपूर्ण विकास। सामंजस्यपूर्ण विकास की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के सभी पक्षों का विकास 3 A के विकास के द्वारा होना चाहिए, यानी कि अध्ययन अंकन और अंक गणित। नैतिक उद्देश्य बोला गया, शिक्षा व्यक्ति को सही और गलत के बारे में सिखाता है। सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसमें वो सत्य और अहिंसा पर आधारित एक सामाजिक क्रम का निर्माण होना चाहिए। और उसके अंदर अंतिम उद्देश्य उन्होंने क्या बोला कि शिक्षा की तरह जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मबोध होना चाहिए, अपना मंथन होना चाहिए कि अपने आप को समझ जरूरी है कि व्यक्ति आप क्या हो, आपको अपने बारे में भी सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए और ये आध्यात्मिक शिक्षा है जो कि ईश्वर का ज्ञान और आत्मबल प्रदान करती है। तो देखिए अब पहली यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 2 के अंदर हम बात करेंगे तो स्त्री और आधुनिक शिक्षा इसके अंदर आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है आपकी। देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रुकैया सुल्ताना के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, कि इनका जन्म कब हुआ, इन्होंने क्या क्या काम किए। देखो इन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए इतिहास में बेगम रुकैया की जो छवि जो है दुर्ग तारे की तरह रही है, जिन्होंने हमेशा अपनी जाति का मार्ग प्रदर्शित किया और उन्होंने बताया कि भाई वो एक खुद भी मुसलमान थी और उसके बाद में उन्होंने जो है कोई कसर नहीं छोड़ी है एजुकेशन को आगे स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ये रुकैया के जीवन के बारे में, रुकैया जो है उनके बारे में आप सारी चीजें यहाँ से पढ़ लेंगे। अब उन्होंने यहाँ पर एक लाइन बोली है, देखिए ये लाइन आप जरूर मेंशन करिएगा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य संपूर्ण शिक्षा से है, कुछ किताबें पढ़ने और कुछ पंक्तियां लिखने को हम वास्तविक शिक्षा नहीं मानते। वो कहती हैं कि मैं एक ऐसी शिक्षा की पक्षधर हूँ जो नागरिक को उनके अधिकार दिला सके। तो ये नहीं कहते कि आपने कुछ किताबें पढ़ ली, आपने सिर्फ एक जो है क्राइटेरिया कम्प्लीट कर लिया कि आपने 12th कर लिया आप शिक्षित हो, नहीं। वो कहती है कि शिक्षा का अर्थ होता है कि आपको अपने सभी नागरिकों के जितने भी अधिकार हैं वो सब चीजें आपको मिल सके। तो ये रुकैया के बारे में था आपका, उनके जो उद्देश्य थे ये लोग, उनका मानना क्या था, रुकैया का मानना था कि भाई जो शिक्षा का उद्देश्य है मात्र डिग्री प्राप्त करना या नौकरी लेना नहीं होता है बल्कि संपूर्ण मनुष्य को तो उनके जो लक्ष्य और उद्देश्य की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए रुकैया का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र डिग्री प्राप्त करना नहीं है या नौकरी लेना नहीं है, ये तो संपूर्ण मनुष्य के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक और नैतिक विकास हेतु होनी चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति जो सिर्फ डिग्री ले लेता है या फिर एक नौकरी ले लेता है इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति जो है शिक्षित है, बल्कि अगर वो संपूर्ण रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से और नैतिक रूप से विकास कर लेता है तो ही वो शिक्षित कहलाएगा। शिक्षा को बच्चों के तन मन को विकसित करना चाहिए, शिक्षा जीवन को तैयार और संपूर्ण जीवन रूप से जीने का माध्यम कहलाती है। तो ये सारे के सारे इनके उद्देश्य थे। आगे हम बात करेंगे, एक और आपका इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पंडिता रमाबाई जो है उनके बारे में आपको यहाँ पर देखना है कि रमाबाई का क्या योगदान रहा है। भारत की एक महान स्त्री के रूप में उनको जाना जाता है, ठीक है। उन्होंने जो है स्त्री अधिकार और समाज सुधार के लिए बहुत ज्यादा उनको जो है माना गया है और बोला गया है कि पुरुष प्रधान समाज के लिंग सुधार की पक्षधर भी थी वो। और रमाबाई ने सीमाओं को लांघ कर अपने शिक्षा और मिशनरी संबंधी गतिविधियों के उद्देश्य में पितृसत्ता को चुनौती दी थी। तो ये रमाबाई के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और रमाबाई ने जो भी काम किए हैं वो सब आपको पढ़ना है, इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका।
तो इस वाले लेसन के अंदर से आपने जो है, और उसके बाद में आपको ये ज्योतिबा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले जो है, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है कि इनके क्या प्रयास रहे शिक्षा के अंदर, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कुछ बातें बोली गई, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि शिक्षा के बिना जो खो गया ज्ञान के बिना नैतिकता खो गई, शिक्षा के बिना ज्ञान खो गया, यानी कि अगर शिक्षा नहीं है तो ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो नैतिकता खो गई, और नैतिकता के बिना विकास नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला कि विकास के बिना धन खो गया, और धन के बिना शूद्र बर्बाद हो गए, शिक्षा के अभाव में कितना कुछ हो गया। तो उन्होंने क्या बोला है कि पर्टिकुलर जो है वो उन्होंने एक उसको बताया कि जो सबसे लोअर कैटेगरी जो होती है उनके बारे में बोला है कि अगर आपने ज्ञान शिक्षा नहीं ली तो ज्ञान नहीं मिलेगा, और ज्ञान नहीं हुआ तो आप नैतिकता खोदोगे, नैतिकता नहीं होगी तो आपका विकास नहीं होगा, और विकास नहीं होगा तो आप धन नहीं कमा पाओगे, और धन नहीं होगा तो आप बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। अब हम बात करेंगे इसमें किसकी, सावित्री बाई फुले। देखो सावित्री बाई फुले कौन थी, ये इनके बारे में आप, सावित्री बाई फुले जो है जिनका आज जन्मदिन भी है, यानी कि 3 तारीख को जो है इनका जन्म हुआ था, और ये भारत की बताया जाता है कि सबसे पहली शिक्षिका थी, ठीक है। यदि आप एक भारतीय महिला हैं जो पढ़ती हैं और उनकी ऋणी है, यदि आप एक शिक्षित भारतीय महिला हैं तो उनकी ऋणी है, मतलब सबके लिए बताया गया कि अगर आप लोग स्कूल जाते हैं, जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको बोला गया है कि इनको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहिए, किसको, उनको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहिए सावित्री बाई फुले को, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज जो महिलाएं शिक्षित हो पा रही, क्योंकि भारत की सबसे पहली पढ़ी लिखी जो शिक्षित भारतीय महिला थी वो यही थी। अब इनके बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आपकी जो उनकी विशेषताएं थी वो इस वाले लेसन में से आपको बस यही तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 3rd की अगर हम बात करें कि लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 हमने क्लियर कर लिया, लेसन नंबर 3 में जो शिक्षा और मानव विकास के बारे में क्या बोला गया है, तो ये वाली लाइन इसमें जरूर डालना कार्ल रॉजर्स के अंदर की, केवल वही व्यक्ति शिक्षित है जो सीखना और बदलना सीखता है, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी हम इसमें से हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें से हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर जो बात की गई है एक लड़की को शिक्षित करने के दीर्घकालीन लाभ क्या है। तो देखिए सबसे पहला उन्नत आर्थिक विकास होगा, अगली पीढ़ी के लिए शिक्षा, गुणक प्रभाव, स्वस्थ परिवार और कम मृत्यु दर, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। मानव विकास होता क्या है इसको देख लेते हैं। विकास का अंतिम उद्देश्य मनुष्य की स्थिति सुधारना है, मानव विकास उच्च उत्पादकता की ओर जाता है, मानव विकास जनसंख्या को वृद्धि कम करता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि 90s के अंदर जितने भी जो लोग थे वो सारे के सारे लोग क्या थे कि भाई दो मियाँ बीवी हैं और 8 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, इस तरीके की पहली चीजें हुआ करती थी। पर जब से एजुकेशन ज्यादा ज्यादा होने लगी, यानी कि लोग पढ़े लिखे होने लगे, तो वो हम दो हमारे दो के जो नारे यहाँ पर अब बहुत ज्यादा मशहूर हो गए हैं, या फिर एक और या दो बच्चे बस उनके पर्याप्त होते हैं, और पहले क्या होता था हम दो और हमारे गिन लो, इस तरीके की जो स्ट्रेटेजीज पहले चला करती थी। आज लोग पढ़े लिखे हो गए तो इन सब चीजों को वो समझ गए हैं। तो मानव विकास जनसंख्या की वृद्धि को कम करते हैं, मानव विकास सतत विकास ला सकता है। सतत विकास कैसे ला सकता है, यानी कि जो सतत विकास का मतलब होता है एक ऐसा विकास जो आज की चीजों को पूरा कर ले और आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उन सब चीजों को छोड़ दिया जाए। जीवन यापन बेहतर जीने की स्थिति, ठीक है, और मानव विकास राजनीति में स्थिरता बढ़ाने में भी सहयोग करता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं। उसके बाद हम बात आपसे पर्टिकुलर शिक्षा के अधिकार के बारे में पूछा जा सकता है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम, शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE, राइट टू एजुकेशन, जो है आपको भारत की संसद का एक अधिनियम है जो कि 4 अगस्त 2009 में लागू हुआ था, जिसमें बोला गया था कि भारत में रह रहे 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होंगे उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अब 21A के अंतर्गत, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत भारत में ये अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो शिक्षा के विकास में चुनौती और मुद्दे की बात करें, तो देखते हैं यहाँ पर कि शिक्षा के विकास में चुनौती और मुद्दे कौन कौन से हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं जरा, क्षेत्रीय असमानता, ठीक है, यहाँ पर इसके कौन कौन से कारण है देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्षेत्रीय विषमताओं के क्या कारण है, ये रहे आपके इसके कारण। भौगोलिक कारक, जैसे कि मैंने कहा कि भाई तटीय स्थान है, ऊबड़ खाबड़ स्थान है, तो इस वजह से ये भी एक पॉइंट हो सकता है इसका। गुजरात से लेकर केरल और पूर्वी राज्य राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक, यानी कि सारी की सारी चीजें बताई गई है कि किसको लेकर, सिर्फ और सिर्फ लेकर भौगोलिक स्थिति को लेकर। उसके बाद में सामाजिक कारक में बताया गया है कि जनसंख्या का दबाव, कम साक्षरता दर, ये सब चीजें आती है। आर्थिक में देखें यहाँ पर हरित क्रांति और औद्योगिकरण, असंतुलित संबंध, बुनियादी ढांचा, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद में राजनीतिक कारक की अगर हम बात करें कि सरकार की राजनीतिक स्थिरता और विकास के एजेंडे ने केरल, गोवा और ऐसे अन्य क्षेत्रों के विकास में अपनी भूमिका निभाई है, और इसी तरह भूमि सुधारों में भी क्षेत्रों के विकास में आवश्यक भूमिका निभाई है। तो ये इसके अंदर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आप
बाद में हमारा लेसन नंबर 5 जिसमें शिक्षा के संबंध में संविधान के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर आप देखिए संविधान के बारे में जो बात की गई है तो उसमें आपको तीन चार चीजें बड़े ध्यान रखनी है, यानी कि संवैधानिक मूल्य कौन कौन से हैं आपके, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। संवैधानिक मूल्य में सबसे पहला आपका आएगा संप्रभुता, ठीक है, ये आप ऑलरेडी वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा पॉइंट है समाजवाद, तीसरा पॉइंट आपका धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, और उसके बाद न्याय, और फाइनली आपका समानता, यानी कि जिसको हम समानता बोलते हैं वो, ठीक है, स्वतंत्रता। तो ये हमारे बंधुत्वता और व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता, अखंडता। क्या हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये भी शायद आप लोगों को थोड़े बहुत पता ही होंगे मौलिक कर्तव्य हमारे कौन कौन से होते हैं। तो मौलिक कर्तव्यों के बाद में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे मौलिक अधिकार के बारे में बोला जाएगा। तो मौलिक अधिकार जो है वो हमारे को पढ़ने हैं इसके अंदर के कौन कौन से अधिकार में क्या क्या दिया गया है। जैसे मौलिक अधिकार ये आपके यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए, ये कौन से मौलिक अधिकार में क्या दिया गया है, यानी कि सबसे पहला हमारा समानता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक बोला गया, सभी रंग रूप छोटा बड़ा लड़का लड़की किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 में, शोषण के विरुद्ध 24 से 25, तो ये सारे अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो हमारी यूनिट नंबर 6 जो है शिक्षा तथा आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन जो है, इसके अंदर क्या क्या चीजें बोली गई हैं। इसके अंदर से जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें है कि भाई आपकी जो तीन सूची है यानी कि संघ सूची, ठीक है, और राज्य सूची, और एक आपकी समवर्ती सूची, ठीक है, ये तीनों सूची यहाँ पर दी गई है। तो ये तीनों सूची यानी संघ सूची में क्या होता है कि जितने भी जो संघ के हाथ में यानी कि केंद्र के हाथ में जितने काम होते हैं वो सारे के सारे किसमें होते हैं, संघ सूची में। राज्य सूची में कौन से काम आते हैं, जिसमें राज्य कार्य करता है, और संवर्ती के अंदर जिसमें संघ और राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर ये चीजें बताई गई है वो आपको यहाँ पर देखना है, ये तीनों सूचियां जो मैंने आपको बोला था, संवर्ती सूची और ये, ठीक है। तो आपको इस वाले बुक में से आपका जो कल का एग्जाम होने वाला है वो आपकी यही सब चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई है, बस इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और कुछ क्वेश्चंस आपके वैल्यू बेस्ड होते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगानी होती है और पेपर पूरा अच्छी तरीके से हो जाता है। तो आई होप आपको जो है वीडियो समझ में आई होगी, और कल के एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट योर रेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।